हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आज का टॉपिक है जीएफएस। जीएफएस मतलब गूगल फाइल सिस्टम। गूगल फाइल सिस्टम को गूगल एफएस भी बोला जाता है। जीएफएस एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जिसको गूगल ने डेवलप किया था। जीएफएस क्लस्टर में एक मास्टर सर्वर और बहुत सारे डेटा सर्वर होते हैं। इन डेटा सर्वर को चंक सर्वर बोला जाता है। मास्टर सर्वर नेम स्पेस और मेटाडेटा डिटेल्स को हैंडल करते हैं, जबकि चंक सर्वर एक्चुअल डेटा से डील करता है। जीएफएस कमोडिटी हार्डवेयर को यूज करते हैं क्योंकि ये चीप होते हैं। चंक सर्वर डेटा को एक लिनक्स फाइल के रूप में लोकल डिस्क में स्टोर करते हैं। फाइल डेटा को चंक में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर किया जाता है और हर एक चंक का साइज 64 MB होता है। हर एक चंक का 3 कॉपी मेंटेन किया जाता है अक्रॉस द क्लस्टर, ताकि किसी तरह का डेटा लॉस को अवॉइड किया जा सके। फॉर एग्जांपल, एक फाइल है जिसका साइज 128 MB है, तो इसे अगर जीएफएस में स्टोर करना है तो 128 डिवाइडेड बाय 64 मतलब 2 चंक बनेगा। तो इस फाइल के डेटा को 2 चंक में स्टोर किया जाएगा और दोनों चंक को अलग अलग 3 टाइम रेप्लिकेट किया जाएगा और इसे अक्रॉस द क्लस्टर स्टोर किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का डेटा लॉस को अवॉइड किया जा सके। गूगल फाइल सिस्टम का हिस्ट्री क्या है? तो गूगल फाइल सिस्टम की हिस्ट्री कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि सन 2000 में इंटरनेट यूजर्स काफी तेजी से बढ़ने लगे और इससे गूगल के पास एक साथ बहुत सारे सर्च क्वेरी आने लगे और ह्यूज वॉल्यूम में डेटा जनरेट होने लगा, जिससे ट्रेडिशनल डेटा सर्वर इस डेटा को हैंडल करने के कैपेबल नहीं था। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल को एक डिस्ट्रीब्यूटेड हाई फॉल्ट टॉलरेंट और लार्ज कैपेसिटी के डेटा सेट का जरूरत पड़ा और जीएफएस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। जीएफएस क्लस्टर में मास्टर नोड या मास्टर सर्वर चंक सर्वर को मॉनिटर करता है। तो इसी तरह से गूगल फाइल सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। जीएफएस आर्किटेक्चर, ये जीएफएस के वर्किंग को बताता है। जीएफएस के मेनली 3 कंपोनेंट है, जीएफएस क्लाइंट, जीएफएस मास्टर सर्वर और जीएफएस चंक सर्वर। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जीएफएस में एक सिंपल रीड ऑपरेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। जीएफएस क्लाइंट एक एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जीएफएस मास्टर सर्वर मेटाडेटा और नेम स्पेस डिटेल्स को मैनेज करता है और जीएफएस चंक सर्वर्स एक्चुअल डेटा से डील करते हैं। ये डेटा को डेटा चंक या चंक के रूप में स्टोर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पे मेनली 3 यूनिक चंक है, चंक 1, चंक 2 और चंक 3। और जैसा कि हमें पता है कि हर एक चंक का 3 कॉपी रिप्लिकेट किया जाता है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 चंक सर्वर है और इन तीनों चंक सर्वर में तीनों चंक का रिप्लिकेट स्टोर किया गया है 3 टाइम्स। रीड ऑपरेशन के लिए सबसे पहले जीएफएस क्लाइंट जीएफएस मास्टर सर्वर को कॉन्टैक्ट करता है फाइल मेटाडेटा के लिए। फाइल मेटाडेटा मतलब जैसे फाइल नेम, वो डेटा चंक इंडेक्स, ये सारा डिटेल्स, और मास्टर सर्वर चंक हैंडल और चंक लोकेशन सारा डिटेल्स जीएफएस क्लाइंट को दे देता है। उसके बाद जीएफएस क्लाइंट वो सारा डिटेल्स लेकर चंक सर्वर के पास जाता है और चंक सर्वर जो नियरेस्ट चंक होता है उसमें से डेटा को जीएफएस क्लाइंट के पास भेज देता है। सो इसी तरह से एक रीड ऑपरेशन जीएफएस में कंप्लीट होता है और ये एग्जाम्पल जीएफएस आर्किटेक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब हम लोग जीएफएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है डेटा रिप्लिकेशन। जैसा कि हमें पता है कि हर एक चंक को 3 टाइम्स रिप्लिकेट किया जाता है। दूसरा है फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा को रिप्लिकेट किया जाता है जिसकी वजह से फॉल्ट टॉलरेंस पॉसिबल है। थर्ड है क्लाइंट और मास्टर का इंटरेक्शन कम होता है और इससे समय की बचत होती है और काम जल्दी कंप्लीट होता है। फोर्थ है हाई एरिया थ्रूपुट, मतलब थ्रूपुट अच्छा देता है। जीएफएस के डिसएडवांटेजेस में पहला है
जीएफएस राइट वंस रीड मेनिंग अप्रोच वाले डेटा के लिए सुटेबल है। सेकेंड पॉइंट है, जीएफएस स्मॉल डेटा के लिए एक बेस्ट फिट नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फाइल्स रहेंगे उतना ज़्यादा मेटा डेटा और नेम स्पेस डिटेल्स मास्टर नोड में सेव करना पड़ेगा, जिसे स्टोरेज और मैनेजमेंट करना एक एडिशनल टास्क हो जाता है। मास्टर सिंगल नोड होता है जो मेटा डेटा और नेम स्पेस डिटेल्स को स्टोर करता है, इसीलिए इसके फेल होने पर रिकवरी में भी टाइम लगता है। आज के सेशन में हमने देखा जीएफएस क्या है, जीएफएस का हिस्ट्री क्या है, जीएफएस का आर्किटेक्चर कैसा है और ये कैसे काम करता है, और लास्ट हमने देखा जीएफएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।